लास्ट क्लास में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कई बार एग्जाम से पूछा जाता है यूज ऑफ कॉनकेव मिरर में, ये क्या करते हैं कि आपसे ये नहीं कहेंगे कि इसका यूज बताओ, आपसे कहेंगे डेंटिस्ट मिरर कौन सा होता है। सो यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, सो सबसे पहला यूज ये है कि इमेज कॉनकेव मिरर का यूज सोलर फर्नेसेस में किया जाता है, सोलर फर्नेसेस में किया जाता है। सोलर फर्नेसेस में क्या होता है, लाइट इन्फिनिटी से आ रही होती है, बहुत सारी लाइट, और ये सारी लाइट को इकट्ठा करता है फोकस के ऊपर, सारी लाइट को इकट्ठा करता है फोकस के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट डायग्राम को देखें तो ये होता है कॉनकेव मिरर, इसका फोकस ये है, तो लाइट इन्फिनिटी से आके इसी पे क्रॉस करके जा रही होती है। तो सारी लाइट जब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करती है तो यहाँ पर सोलर फर्नेसेस में इसका यूज होता है। तो फर्स्ट यूज ये हो गया। सेकंड यूज है, इसको हम डेंटिस्ट मिरर भी कहते हैं, डेंटिस्ट मिरर के केस में ये चाहता है, डेंटिस्ट ये चाहता है teeth have to place between pole and focus, pole and focus के बीच में teeth को हमें adjust करना होता है, pole and focus के बीच में teeth को adjust करना होता है ताकि image बड़ी बने और अच्छी बने। third use इसका ये है कि हम सर्च लाइट्स में व्हीकल हेडलाइट्स एंड टॉर्चेस में इसका यूज करते हैं। आप टॉर्च को खोलेंगे तो एक कटोरी सी उसके अंदर दिखती है, कटोरी से दिखती है, वो जो कटोरी होती है कुछ इस तरीके की कटोरी होती है जहाँ यहाँ पर बल्ब होता है, और ये जो कटोरी होती है ये कॉनकेव मिरर ही होता है। बेसिकली कॉनकेव मिरर की शेप का होता है जिससे लाइट जब यहाँ बल्ब जलेगा तो लाइट ऐसे सीधी पड़ेगी आगे। तो ये टॉर्च में हो गया या हेडलाइट में हो गया, हेडलाइट में भी सेम ऐसी कटोरी होती है जो बीम ऑफ लाइट को एकदम स्ट्रेट सामने रोड पर डालती है। सर्च लाइट, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर्च लाइट किसे कहते हैं, सर्च लाइट होता है एक टावर पे, जैसे एक बंदरगाह है, पोर्ट है, उस पे एक हाइट पर हमने एक लाइट लगा रखी है, उससे हम घुमा घुमा के बस सर्च करते रहते हैं कि कौन सा नाव आ रहा है, कौन सी नाव जा रही है, या फिर कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई आतंकवादी तो नहीं एंट्री कर गया। तो हम एक बीम ऑफ लाइट से सर्च करते हैं, तो एक बड़ा एरिया होता है टीवी टावर टाइप का, उस पे हमने सर्च लाइट लगा रखी है और एक आदमी उसको घुमा घुमा के सर्च करता रहता है बंदरगाह पे। और फोर्थ यूज है इसका, द फोर्थ यूज ऑफ कॉनकेव मिरर इज सेविंग मिरर। यानी सेविंग करते के समय भी हम ये चाहते हैं कि हमारा फेस जो है वो फोकस एंड पोल के बीच में पहुंच जाए, फोकस एंड पोल के बीच में पहुंच जाए, क्योंकि हमें पता है कि अगर फोकस एंड पोल के बीच में अगर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, तो जो इमेज बनेगी वो मिरर के अंदर बनेगी, इमेज वर्चुअल यानी मिरर के अंदर बनेगी, इरेक्ट बनेगी और लार्ज बनेगी। तो ये हम चाहते हैं, तो ये चार इसके यूज हो गए, सोलर फर्नेसेस में इसका यूज होता है, डेंटिस्ट मिरर के केस में यूज होता है, डेंटिस्ट ये चाहता है कि आपके टीथ को पोल और फोकस के बीच में रख दिया जाए। सर्च लाइट, आप बंदरगाह पे सर्च लाइट का यूज करते हैं, व्हीकल की जो हेडलाइट होती है वो बीम ऑफ लाइट स्ट्रेट करने के काम आती है, वहां पे भी कॉनकेव मिरर का यूज होता है, टॉर्च में भी कॉनकेव मिरर का यूज होता है।
इसके बाद सेविंग मिरर में भी इनका यूज होता है। सो यहाँ पर कॉनकेव मिरर का पार्ट हमारा खत्म हो रहा है। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, इसका जो अंदर वाली साइड है ये पॉलिश होती है, अंदर वाली साइड जो होती है ये पॉलिश होती है, यानी पॉलिश्ड एरिया अंदर वाली साइड होता है और शाइनिंग एरिया ये होता है, शाइनिंग यानी जो चमक करता है वो एरिया ये होता है। और आप सभी को पता है कि शाइनिंग एरिया जिस तरफ होता है उसी तरफ को लाइट कन्वर्ज या डाइवर्स होती है, सो कॉनकेव मिरर। अब हम पढ़ रहे हैं रूल्स ऑफ मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। रूल्स ऑफ मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स मिरर। सो हम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर दिया मैंने। कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करने के बाद मुझे प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है, सो प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं। ये बना दिया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस पे ये ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर का राइट साइड में फोकस बनेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस राइट साइड में होगा क्योंकि ये ऐसे गोले को काट के बनाया है जिसका हाफ हिस्सा जो है वो राइट साइड में है, क्योंकि अंदर की तरफ से हमने पॉलिश किया है, अब पहला रूल क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती है, कॉन्वेक्स मिरर पे, तो वो डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज मतलब लाइट कॉन्वेक्स मिरर पे पड़ने के बाद ऐसे बाहर चली जाती है, और जो बाहर जा रही है, ये ऐसा लगता है कि फोकस से टकरा कर जा रही है, ये ऐसा प्रतीत होगा कि फोकस से टकरा के जा रही है। क्योंकि ये टकरा के जाती है तो हम पहले इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये लाइट आई और ये लाइट वापस चली गई, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा, वर्चुअली ऐसा प्रतीत होता है कि ये फोकस से टकरा के जा रही है। तो फोकस से टकरा के जा रही है तो ये रेज हमें एक्चुअली दिखेगी नहीं, इसलिए हम इसे डॉटेड दिखाते हैं, तो फोकस से टकरा कर वापस आ रही है। कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, मान लीजिए कि ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो लाइट यहाँ पर पड़ने के बाद फोकस से वापस जाएगी, और इसको हम दिखाते हैं डॉटेड लाइन से। ये हो गया लाइट गई, ये लाइट वापस आ रही है, और इसको हम दिखाते हैं डॉटेड लाइन से। तो डॉटेड लाइन बनाने के लिए ये तरीका है, ये डॉटेड लाइन, ये पहला रूल है। पहला रूल क्या कह रहा है? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आती है तो वो प्रतीत होती है फोकस से मिलने को, वो डाइवर्ज हो रही होती है, और डाइवर्ज हो रही होती है, पहला रूल ये है। दूसरा रूल है कि अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस आ रही है, यानी अगर वो लाइन फोकस पे जा रही है,
अगर वह लाइन फोकस पे जा रही है, कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ऐसे फोकस पे जा रही है या जाते हुए प्रतीत हो रही है, तो वो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस जा रही होगी। यानी पहले वाला जो रूल है उसका विपरीत है, ये पहले वाला रूल का विपरीत है। ये लाइन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फोकस पे जाएगी, ये लाइन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फोकस पर जाएगी, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस आ रही होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस आ रही होती है। तो ये पहले वाले रूल का, ये पहले वाले रूल का विपरीत है, पहले वाले रूल का ये फर्स्ट रूल है और इसका विपरीत है सेकेंड रूल। थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। थर्ड रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, मान लीजिए कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है ऐसे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस हो जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस हो जा रही है। डॉटेड लाइन इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि लाइन अपीयर, लाइन ऐसा महसूस होता है कि सेंटर ऑफ फोकस की तरफ जा रही है, इसलिए डॉटेड लाइन में दिखाया जा रहा है। तो ये आपका थर्ड रूल है। थर्ड रूल, फोर्थ रूल और लास्ट रूल ये है कि अगर कोई लाइन या लाइट रे पोल पर आता है, पोल ये पोल पर आता है, तो पोल पर ही वह वापस चला जाता है उसी एंगल के साथ, पोल पर ही वह वापस चला जाता है उसी एंगल के साथ, पोल पर ही वापस आता है और उसी एंगल के साथ वापस चला जाता है, जिसे हम कह रहे हैं एंगल आई और एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लगभग एक बराबर होता है, लगभग एक बराबर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लगभग एक बराबर होता है, ये फोर्थ रूल है। एक बार देख लेते हैं पहले चार रूल को, क्योंकि इसी की सहायता से हम कॉन्वेक्स मिरर के इमेजेस बनाएंगे। पहला रूल ये कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे आ रही है तो अपीयर टू मीट एट फोकस बट वो डाइवर्ज हो जाती है। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ जा रही होती है, अगर फोकस की तरफ जा रही होती है या अपीयर टू मीट एट फोकस, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस हो जाती है जहां से आ रही है उसी तरफ। थर्ड रूल ये कहता है कि अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो जाएगी। फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर कोई पोल की तरफ जा रही है लाइट रे तो वो पोल से उसी एंगल से वापस हो जाएगी, तो इस केस में एंगल आई इज नियरली इक्वल टू एंगल आर होगा, इस केस में एंगल आई इज नियरली इक्वल टू एंगल आर होगा। अब हम बात करते हैं रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में जो रे डायग्राम बन रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चलो रे डायग्राम जो बन रहा है इसके अंदर, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस इस तरफ है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस तरफ है, तो या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा, या तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा, बहुत दूर होगा जहाँ से हम उसको माप नहीं सकते, जहाँ से हम उसको माप नहीं सकते, या तो वहाँ होगा। तो जब हम माप नहीं सकते तो उसे हम कहते हैं इन्फिनिटी, जब हम माप नहीं सकते तो उसे हम कहते हैं इन्फिनिटी। जैसे ये ऑब्जेक्ट मैंने ये कर दिया यहाँ पर, ये इन्फिनिटी पोजीशन है, ये इन्फिनिटी पोजीशन है जहाँ हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माप नहीं सकते हैं, तो पहली पोजीशन ये हो गई। दूसरी पोजीशन मिरर के आगे कहीं भी रखा हो, मिरर के आगे कहीं भी रखा हो तो ये दूसरी पोजीशन है। तो सिर्फ इसमें दो ही पोजीशन बनती है, पहली पोजीशन एट इन्फिनिटी
और दूसरी पोजीशन फ्रंट ऑफ मिरर, दूसरी पोजीशन फ्रंट ऑफ मिरर। फ्रंट ऑफ मिरर या इन्फिनिटी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इन्फिनिटी एंड पोल ये भी कह सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं फ्रंट ऑफ मिरर। फ्रंट ऑफ मिरर, फ्रंट ऑफ मिरर का मतलब है कि हम इसकी दूरी, इसकी जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, ये माप सकते हैं। अगर हम दूरी माप सकते हैं तो उसे हम कहेंगे फ्रंट ऑफ मिरर या इन्फिनिटी और पोल के बीच में। अगर हम ऑब्जेक्ट की दूरी माप ले सकते हैं तो हम कहेंगे इन्फिनिटी, तो हम कहेंगे इन्फिनिटी। तो सिर्फ यही दो पोजिशन है जिसके रे डायग्राम हमें कन्वेक्स मिरर में पढ़ने हैं, और ये दो पोजिशन ही पॉसिबल हैं, ये दो पोजिशन ही पॉसिबल हैं। सो अगर हम पहले पोजिशन की बात करें, जब ऑब्जेक्ट जो है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है यानी उसका डिस्टेंस आप माप नहीं सकते, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो लाइट रे जो आएंगी वो पैरेलल आएंगी, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी कुछ ऐसे, और फोकस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, फोकस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, अपीयर्स टू मीट एट फोकस होगा और वो फोकस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी कुछ इस तरीके से, लाइट रे ऐसे आएंगी और फोकस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी कुछ इस तरीके से। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि मिरर के अंदर अपीयर टू मीट एट फोकस होगा, वो फोकस से मिल नहीं रही है लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फोकस से मिलेंगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फोकस से मिलेंगी। सो ये लाइट रे आती है, ये लाइट रे आ रही है और ऐसे वापस चली जा रही है, ऐसे वापस चली जा रही है। इस केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, और इमेज की बात करें, इमेज की बात करें तो इमेज की जो पोजिशन है, इमेज कहाँ पर बन रहा है, ये अगर इमेज की पोजिशन की बात करें तो इमेज बन रहा है एट फोकस, फोकस के ऊपर बन रहा है इमेज। और नेचर, नेचर क्या होगा ये तो बहुत आसानी से बता देंगे कि सर इमेज जो है ना वो मिरर के अंदर बन रहा है, मिरर के अंदर बन रहा है। देखो तो मिरर के अंदर बन रहा है तो वर्चुअल होगा, और मिरर के अंदर जब भी बनेगा तो इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। साइज की बात करें तो जो इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा था, और इमेज जो बन रही है वो पॉइंट साइज, ये पॉइंट साइज, पॉइंट साइज बन रही है, इमेज जो बन रही है वो पॉइंट साइज बन रही है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में फर्स्ट पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, पोजीशन ऑफ इमेज एट एफ, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज पॉइंट साइज होता है। इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन की बात करते हैं। नेक्स्ट पोजीशन में मैंने कहा कि इन्फिनिटी के अलावा अगर ऑब्जेक्ट कहीं भी होगा, इन्फिनिटी के अलावा अगर ऑब्जेक्ट कहीं भी होगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो इन्फिनिटी के अलावा ऑब्जेक्ट मान लीजिए मैंने यहाँ बना रखा है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो इस केस में लाइट रे ऐसे पैरेलल जाती है और अपीयर्स टू मीट एट फोकस होगा, अपीयर्स टू मीट एट फोकस होगा, ऐसा लगेगा कि वो फोकस से मिल रही है बट वो डाइवर्स हो जाएगी, बाहर की तरफ भाग जाएगी लाइट कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से लाइट बाहर की तरफ चली जाएगी। तो पहली लाइट रे तो ये है, दूसरी, दूसरी रे कैसे जाएगी? दूसरी रे है कि यहां से, यहां से लाइट रे आपकी आपको भी बड़े ध्यान से बनाना होगा, अगर गलत बन जाएगा तो फिर आपको ड्रॉ मिटाना पड़ेगा।
रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसमें एक हमने पढ़ लिया और दूसरा हम पढ़ रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है जिसकी दूरी हम माप सकते हैं, मिरर के सामने है जिसकी दूरी हम माप सकते हैं, तो ये तो हम मिटा देते हैं। मिरर के सामने हमारा ऑब्जेक्ट सेकंड पोजीशन पे है और इसकी दूरी हम माप सकते हैं, इसकी दूरी हम माप सकते हैं। तो पहली रे तो मैंने बताया कि ऐसे जाएगी और प्रिंसिपल फोकस से प्रतीत होगा वापस जाते हुए, प्रिंसिपल फोकस से प्रतीत होगा कि राइट रे वापस ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है राइट रे वापस। तो राइट रे ऐसे गई है और ऐसे वापस गई पहली, और दूसरी रे जो है, दूसरी रे जो है वो कुछ इस तरीके से होगी, ये ऐसा महसूस होगा कि सी पर जा रही है, सी पर जा रही है और सी से ही वो वापस, सी से ही वो वापस रिवर्ट बैक हो रही है, सी से ही वापस रिवर्ट बैक हो रही है। तो ये सी से जा रही है ऐसे और सी से ही रिवर्ट बैक हो रही है, वापस जा रही है। तो कुल मिला के ये लाइट रे गई और ये लाइट रे वापस आ गई, ये लाइट रे गई और लाइट रे वापस आ गई। और आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लाइट रे क्रॉस हो रही है अंदर, यहाँ पर लाइट रे क्रॉस हो रही है अंदर। तो अगर ये ऑब्जेक्ट का साइज ए, ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है, ये ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है, तो यहाँ पर बन रहा है ए डैश और बी डैश, मिरर के अंदर बन रहा है, मिरर के अंदर बन रहा है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट हमारा था बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, पोल एंड इन्फिनिटी, पोल और इन्फिनिटी के बीच में था ऑब्जेक्ट। इमेज कहाँ बन रही है, इमेज की पोजीशन कहाँ है, इमेज की पोजीशन कहाँ है, इमेज की पोजीशन है बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में इमेज बन रही है, पोल और फोकस के बीच में इमेज बन रही है। नेचर इसका क्या होगा, नेचर क्या होगा, नेचर क्योंकि मिरर के अंदर है तो वर्चुअल है, मिरर के अंदर है वर्चुअल है और इरेक्ट है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। साइज क्या होगा, साइज डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड मतलब छोटा होगा, पॉइंट साइज का मतलब होता है हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज का होता है हाईली डिमिनिश्ड, तो इसको हम हाईली डिमिनिश्ड भी कह सकते हैं। अब विद्यार्थी ये पूछेंगे कि सर यहाँ लाइट, लाइट रे जो है यहाँ पर क्रॉस हो रही है ऐसे करने पे, ऐसे करने पे यहाँ क्रॉस हो रही है, तो क्रॉस हो रही है तो यहाँ पर स्क्रीन लगा देते हैं और इमेज स्क्रीन पर बन जाएगी। तो मैं कहूँगा कि मिरर के अंदर स्क्रीन कैसे लगाएंगे, ये क्या पॉसिबल है कि हम मिरर के अंदर स्क्रीन लगा लें। तो मिरर के अंदर लाइट रे क्रॉस हो रही है तो उसका हमें कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि हम उसके अंदर स्क्रीन नहीं लगा सकते, उसके अंदर स्क्रीन नहीं लगा सकते। तो ये सिर्फ दो डायग्राम है, दो में से एक आपका वर्चुअल एंड डायरेक्ट दोनों ही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट दोनों ही है, और सिर्फ एक ऐसा केस होता है रियल एंड इन्वर्टेड, पांच इमेजेस होती है कॉनकेव मिरर में, लास्ट जो होती है जिसमें पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो उसकी इमेज लार्ज बनती है, बड़ी बनती है, जो डेंटिस्ट पोजिशन है, और वो वर्चुअल और डायरेक्ट बनती है कॉनकेव मिरर के केस में। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ ये दो ही डायग्राम है,
बात करते हैं यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहां कहां होता है? तो पहला यूज है जहां भी ब्लाइंड टर्न्स होंगे, यूज एट ब्लाइंड टर्न। ब्लाइंड टर्न, अब ब्लाइंड टर्न कौन से होते हैं सर ये बता दीजिए। जैसे ये तीखा मोड़ है, ऐसे करके जाना है, इधर से व्हीकल आया और इधर उसे जाना है, तो ये ब्लाइंड टर्न है। ब्लाइंड टर्न मतलब मुझे ये देख नहीं रहा है कि उधर से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, तो यहाँ पर हम कॉन्वेक्स मिरर लगा देते हैं। यहाँ पर हम गोल गोल मिरर देखा होगा आपने, गोल मिरर जो होता है बेसिकली वो कॉन्वेक्स मिरर होता है जो यहाँ पर लगाया जाता है। जब जहाँ पर तीखा मोड़ होगा वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यूज एट ब्लाइंड टर्न एंड ब्लाइंड टर्न्स एंड यूज एट ब्लाइंड टर्न्स एंड ऑन पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक। मर्जिंग ट्रैफिक जहां पे ट्रैफिक मर्ज हो रहा हो और ब्लाइंड टर्न हो, जहां पे विजन नहीं दिखता है, उस जगह पे हम इस कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। देखा होगा आपने कि बाइक वॉश हो रही है और उसे गोडाउन से बाहर निकाल रहे हैं तो अचानक से तीखा मोड़ होता है क्योंकि स्पेस की कमी होती है, तो वहां पर ये छोटा सा कॉन्वेक्स मिरर रखा होता है ताकि इस साइड वाले व्यक्ति को उस साइड का दिख जाए और उस साइड से जो आ रहा है व्यक्ति, यानी इस साइड वाला व्यक्ति को इस साइड का दिख जाए इस मिरर के अंदर, और उस साइड से जो आ रहा है व्यक्ति वो उसको इस साइड का दिख जाए। दोनों साइड में यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में आपको दिख जाएगा। सेकंड है साइड व्यू मिरर ऑफ व्हीकल। साइड व्यू मिरर ये हमारी बाइक है और इसके साइड में यहां पर एक मिरर लगा होता है। इसके साइड में जो मिरर लगा होता है वो भी कॉन्वेक्स मिरर होता है, और हमारी कोई गाड़ी, हमारी छोटी सी गाड़ी व्हीकल, इसके साइड में यहां पर एक मिरर लगा होता है और इसके साइड में यहां भी मिरर लगा होता है। ये जो साइड व्यू मिरर होती है यहाँ पर हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। इसे हम रियर व्यू मिरर भी कहते हैं, इसलिए हम इसे रियर व्यू मिरर भी कहते हैं, रियर व्यू मिरर भी कहते हैं। रियर व्यू मतलब बहुत सारा ऑब्जेक्ट को एक छोटे से मिरर में हम देख सकते हैं आसानी से, इसलिए हम कहते हैं रियर व्यू मिरर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार रियर व्यू मिरर के नाम से सवाल आ जाएगा, रियर व्यू मिरर के नाम से सवाल आ जाएगा और ये पूछेगा कि भाई रियर व्यू मिरर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्यों रियर व्यू मिरर कहते हैं। तो ये पूछेगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहला कारण ये है कि रियर व्यू मिरर ये है, इसका पहला कारण ये है कि जो इमेज बनेगी, इमेज जो बनेगी ना, जो इससे इमेज बनेगी कॉन्वेक्स मिरर में, वो एक तो इरेक्ट बनेगी, इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी, उसके बाद डिमिनिश्ड साइज की बनेगी, डिमिनिश्ड साइज की बनेगी। आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा ट्रक है 14 व्हील का, 16 व्हील का, वो इस छोटे से मिरर के अंदर आपको दिख जाएगा। तो एक तो सीधी बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी, सीधी बनेगी डिमिनिश्ड बनेगी। वर्चुअल तो आप जानते ही हैं, वर्चुअल तो आप जानते ही हैं कि वर्चुअल इमेज होगी। It gives wider field of view. It gives wider field of view. Wider field of view. Wider field of view. ये बहुत बहुत दूर के एरिया को यहाँ पर कैप्चर करके दिखा सकता है, इसलिए हम इसे साइड व्यू मिरर के लिए यूज करते हैं, साइड व्यू मिरर के लिए यूज करते हैं, इसलिए हम साइड व्यू मिरर के लिए यूज करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर के ये दो इम्पॉर्टेंट यूज हैं जो आपको याद रखने हैं और बार बार रिवाइज करना है। वीडियो देखने से पढ़ने से कोई फायदा नहीं है अगर आप इसे रिवाइज नहीं कर रहे, आप किसी से इसको शेयर करके अच्छे से दिमाग में नहीं बैठा रहे, क्योंकि क्या होता है, हम पढ़ते जाते हैं तब तो हमें बहुत अच्छे से आ रहा होता है, लेकिन जब हम उसे रिवाइज ना करें और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस ना करें, सवाल के ऊपर डिस्कस ना हो, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है।
इसलिए मैंने कहा है कि कुछ अच्छे बच्चों का जो आपके हिसाब से लगे कि अच्छे हैं उनके साथ हमें ग्रुप बना के रखना चाहिए ताकि हम आराम से काम कर सकें, समझ में आए, हमें कहानी बन सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम जान रहे हैं साइन कन्वेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हमने पढ़ा है, ये हमने पहले तो हमने ग्राफ पढ़ा है, मान लीजिए ये हमने ग्राफ पढ़ा है। मैं लिखता हूं यहां पर साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको साइन कन्वेंशन बता रहा हूं। देखो हमने एक ग्राफ पढ़ा है, मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है जिसमें एक ये सीधी लाइन हो गई और उसके बाद एक ऐसे सीधी लाइन होती है, ये ग्राफ होता है। इस ग्राफ में हम मार्क करते हैं, इस ग्राफ में हम क्या मार्क करते हैं, हम ये मार्क करते हैं कि सर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश मान लेते हैं, ये एक्स डैश मान लेते हैं। ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं जीरो। जीरो के राइट साइड में जाऊंगा तो यहाँ लिखूंगा वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे फोर, ये एक्स एक्सिस के ऊपर वन टू थ्री फोर। और यहाँ पर उल्टा जाऊंगा तो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ऐसे लिखूंगा। अगर ऊपर यानी हाइट के ऊपर जाऊंगा या तो वाई एक्सिस आएगा और वाई एक्सिस में वन, टू और थ्री, फिर नीचे जाऊंगा तो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। बुक्स में भी आपने देखा होगा जब हम एक्स एक्सिस पे लाइंस नंबर को डिनोट करते हैं तो हमें एक्स एक्सिस के नीचे लिखना होता है, और अगर वाई एक्सिस पे नंबर को डिनोट करते हैं तो हमें वाई एक्सिस के राइट साइड में लिखना होता है नंबर को। तो ये हमारी कार्टेशियन साइन है, जो साइन कन्वेंशन हमें पढ़नी है रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर में। अब यहाँ पर मैं एक स्फेरिकल मिरर ड्रॉ करता हूँ, मान लीजिए यहां पर मैंने स्फेरिकल मिरर ड्रॉ किया, ऐसे यहां पर मैंने स्फेरिकल मिरर ड्रॉ किया, और यहां पर थोड़ा सा मुझे यहां रखना है कि ये जो पॉइंट है वो मेरा पोल बने, सेंटर वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है मेरा पोल बने। अब आप सिंपली समझ जाएंगे, सिंपली समझ जाएंगे कि ये जो आपने मिरर बनाई है ये है आपकी कॉन्वेक्स मिरर, ये है आपकी कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के आगे जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो ये माइनस टू और माइनस थ्री सेंटीमीटर के बीच में खड़ा है, माइनस टू और माइनस सेंटीमीटर। तो जो भी हम कॉन्वेक्स मिरर के लेफ्ट में मेजरमेंट करते हैं तो वो नेगेटिव लिया जाता है, अगर राइट में मेजरमेंट करते हैं तो पॉजिटिव लिया जाता है, ऊपर की तरफ मेजर करते हैं तो पॉजिटिव लिया जाता है और नीचे की तरफ मेजर करते हैं तो वो नेगेटिव लिया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। अगर हम लेफ्ट में ले रहे हैं, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है तो मैं नेगेटिव मेजरमेंट लूंगा, अगर इमेज यहाँ बन रही है नीचे की तरफ तो पॉजिटिव, इसकी पोजीशन पॉजिटिव है लेकिन हाइट के हिसाब से यह नेगेटिव यानी नीचे की तरफ बन रही है। तो ये हमें ध्यान रखना है कॉन्वेक्स साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, साइन कन्वेंशन में हमें ये चीज ध्यान रखना है। अब कुछ बातें इसके बारे में ध्यान से, क्योंकि यही अगर आपको याद रहेगा तो यह चीज ही आपके न्यूमेरिकल्स करने में सहायता करेगी, ये चीज ही न्यूमेरिकल करने में आपको सहायता करेगी। अब एक नोट ले लीजिए, नोट लिखिए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब भी हम लिखेंगे, जब भी हम दिया होगा उसे हम यू से डिनोट करेंगे
और ये हमेशा यू से डिनोट करेंगे और ये हमेशा नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव यू से डिनोट करेंगे और हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्यों नेगेटिव होगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि नेगेटिव क्यों होगा। देखो, या तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ बनाएंगे, या फिर यहाँ बनाएंगे, या फिर यहाँ बनाएंगे, या फिर हम हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, और जब भी हम मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो मेजरमेंट है पोल से, लेफ्ट साइड में जो मेजरमेंट है इस पोल से, वो नेगेटिव है। तो हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो नेगेटिव में लिया जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव में लिया जाएगा इस पोल से। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हमेशा नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हमेशा नेगेटिव होगा। पहली चीज, पहला पॉइंट है, ये बड़े ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा चीज, फोकल लेंथ की अगर बात करें कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ हमें अगर गिवन है तो उसे हम हमेशा नेगेटिव लेंगे, उसे हम हमेशा नेगेटिव लेंगे। और अगर कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो उसे हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव कॉनकेव मिरर के केस में और कॉन्वेक्स मिरर के केस में पॉजिटिव लेंगे। सर ये बताइए क्यों लेंगे? तो अगर मैं कॉनकेव मिरर, ये जो कॉनकेव मिरर है इसकी बात करूं, तो इसका फोकस कहीं यहाँ होगा, कहीं लेफ्ट साइड में होगा, तो लेफ्ट साइड में होगा तो नेगेटिव होगा। सेम ऐसी अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर देते हैं, तो कॉनकेव मिरर कुछ ऐसे ड्रॉ करूंगा जिसके अंदर वाली साइड पर पॉलिश होगा, अंदर वाली साइड पर पॉलिश होगा ये, तो इसका फोकस जो है ना वो राइट साइड में बन रहा है, इसका फोकस राइट साइड में बन रहा है, क्योंकि फोकस राइट साइड में बन रहा है, क्योंकि फोकस जो है वो राइट साइड में बन रहा है, इधर बन रहा है, इधर राइट साइड में बन रहा है, तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेना है, फोकल लेंथ यानी कॉनकेव मिरर में हमेशा नेगेटिव, क्योंकि फोकल नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि पॉजिटिव साइड में बन रहा है। और अगर हम हाइट की बात करें, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करें, तो हाइट के केस में क्या होगा, यहाँ पर अगर मैंने ऑब्जेक्ट की हाइट बनाई, ऐसे बनाई ऑब्जेक्ट की हाइट, और इमेज की हाइट ऐसे बनाई नीचे की तरफ, तो ऑब्जेक्ट की हाइट क्योंकि ऊपर की तरफ बनाई है, तो इस केस में मुझे ध्यान रखना होगा कि इसकी जो हाइट लिखूंगा ना वो पॉजिटिव लिखूंगा, और इसकी हाइट नेगेटिव लिखूंगा, क्योंकि नीचे की तरफ बन रही है, हाइट इसकी डाउनवर्ड बन रही है, नीचे की तरफ बन रही है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूला के ऊपर। मिरर फॉर्मूला होता क्या है? सो मिरर फॉर्मूला होता है वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ। इसमें वी जो है वो क्या है, वी है हमारा इमेज डिस्टेंस, वी है हमारा इमेज डिस्टेंस, वी है हमारा इमेज डिस्टेंस, यू जो है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि हमेशा नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एफ जो है ये हमारा फोकल लेंथ। अब अभी भी समझ में नहीं आया कि मिरर फॉर्मूला होता क्या है, तो मैं ये कहता हूं कि मिरर फॉर्मूला इज बेसिकली अ रिलेशन बिटवीन, मिरर फॉर्मूला इज बेसिकली अ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का एक रिलेशन है, जिससे अगर कोई दो चीज हमारे गिवन हो तो तीसरी चीज हम फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई दो चीज हमें अगर गिवन हो तो तीसरी चीज फाइंड आउट हम कर लेते हैं। ये एक रिलेशन है जिसमें दो चीज हमें गिवन हो तो तीसरी चीज फाइंड आउट हम कर लेते हैं।
चीज अगर हमें गिवन हो तो तीसरी चीज फाइंड आउट हम कर लेते हैं। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला एक रिलेशन है V, U और F के बीच में, और V का मतलब है इमेज डिस्टेंस, U का मतलब है ऑब्लिक डिस्टेंस जो हमेशा नेगेटिव होता है, F मतलब फोकल लेंथ जो कि कॉनकेव मिरर के केस में नेगेटिव होगा और कॉन्वेक्स मिरर के केस में पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर, मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन होता क्या है, मैग्निफिकेशन होता क्या है, तो मैग्निफिकेशन बेसिकली एम से डिनोट करते हैं जो एक रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में एक रेशियो होता है जिसे हम हाइट ऑफ इमेज को हम यू कह सकते हैं एच इमेज एच आई और एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच आई और एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इससे हम डिनोट कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन से क्या होता है सर, मैग्निफिकेशन से हमें ये पता लगता है कि इमेज छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी, अगर छोटी बनेगी तो कितने छोटी बनेगी और अगर बड़ी बनेगी तो कितनी बड़ी बनेगी। मान लीजिए कि हमारा मैग्निफिकेशन, एक सवाल है आपके आप सभी के लिए, मैग्निफिकेशन जो है अगर वन है, वन है मैग्निफिकेशन, वन है, वन का मतलब क्या है कि एच आई हाइट ऑफ इमेज या एच ओ हाइट ऑफ इमेज या एच ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों का रेशियो वन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों एक बराबर हो गई। और ये हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों एक बराबर कब होते हैं, कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट एक्सी हो, एक्सी ऑब्जेक्ट हो और इमेज भी एक्सी बन रही हो, उसी केस में इनकी हाइट एक बराबर होगी। वो अलग बात है कि ऑब्जेक्ट नेगेटिव, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो पॉजिटिव होगी और इमेज की जो हाइट होगी वो नेगेटिव होगी, बट इन दोनों की हाइट एक बराबर होगी। तो अगर मैग्निफिकेशन वन आए तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, और सेम कौन सी पोजिशन पे होता है, एट सी पे होता है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज भी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी और सेम साइज की बनेगी। सो ये चीज हमें इस तरीके से ध्यान में आएगी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो यहाँ लिखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाना है मुझे, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाना है तभी आपको एक्चुअल में समझ में आएगा, ये प्रैक्टिकल भी है हमारी उसमें, तभी आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि वाकई में रिफ्रैक्शन होता क्या है। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कुछ और, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में, वाकई में रिफ्रैक्शन होता क्या है। देखिए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इसमें लाइट ऐसे एंटर कर रही है, ऐसे एंटर किया और ऐसे उसे सीधा जा रहा, लाइट ने ऐसे एंट्री मारी यहां से,
और उसे सीधा जाना था, ऐसे करके सीधा जाना था, लेकिन वो सीधा ना जाकर इस पॉइंट से थोड़ी सी बेंड हो गई, इस पॉइंट से थोड़ी सी बेंड हो गई, ऐसे ऐसे बैंड हो गई, और बैंड होने के बाद हो गई है ऐसे, बैंड होने के बाद हो गई है ऐसे, और उसे सीधा जाना था, मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि वो सीधी जाएगी लेकिन सीधी नहीं गई, ये सीधी जानी थी लेकिन सीधी नहीं जाके वो थोड़ी सी बैंड हो गई, वह थोड़ी सी बैंड हो गई। किधर बैंड हो गई और कहाँ बैंड हो गई सर? तो किधर और कहाँ बैंड होने के लिए आपको ये समझना होगा, आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर है एयर, हवा, और यहाँ पर है ग्लास, एयर और ग्लास, ऊपर है एयर और अंदर है यहाँ पर ग्लास। एयर को हम कह रहे हैं मीडियम वन, मीडियम वन, और इसे हम कह रहे हैं मीडियम टू, मीडियम टू। फिर दोबारा से यहाँ पर है ग्लास, ग्लास का मतलब मीडियम टू, और यहाँ पर दोबारा से आ गई एयर, तो इसे हम कहते हैं मीडियम वन, मीडियम वन। तो जब लाइट एक एरिया से या दूसरे एरिया में एंटर कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो वो बैंड हो जा रही है, वो बैंड हो जा रही है, उसे जाना था सीधा लेकिन वो बैंड हो गई। अब कैसे पता लगेगा सर कि ये बैंड हो रही है, कैसे पता लगेगा कि ये बैंड हो रही है? तो यहाँ पर मुझे स्ट्रेट लाइन यानी नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी मुझे एक्चुअल में पता लगेगा कि ये वाकई में बैंड हो रही है। अब मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया इस पोजिशन पे, और इस पोजिशन पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, क्योंकि ये नॉर्मल है तो इसको भी मुझे डॉटेड लाइन से दिखाना है, क्योंकि डॉटेड इसलिए क्योंकि इमेजिनरी है, इमेजिनरी लाइन कुछ होती नहीं बट हम इमेजिनरी है, इसलिए मुझे डॉटेड लाइन से दिखाना है। ये डॉटेड लाइन से दिखाना है, ये डॉटेड लाइन से मुझे दिखाना है। अब आप खुद सोचो कि लाइट रे ऐसे आई, यहां से ऐसे आई, लाइट रे ऐसे आई, फिर इधर गई और फिर इधर से बाहर निकल के चली गई, इधर से बाहर निकल के चली गई, इधर से बाहर निकल के चली गई। ये जो लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे जो आ रही है ना, ये वाली लाइट रे आ रही है, ये जो लाइट रे है इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि इसी यही रिफ्रैक्ट होगी, यही रिफ्रैक्ट होगी, और इसे हम कहते हैं नॉर्मल, इसे हम कहते हैं नॉर्मल। और कितना रिफ्रैक्ट किया, देखो इसे जाना था सीधा लेकिन ये इतनी दूरी से जा रही है, मतलब इतने दूर का इसने गैप कर लिया है, इसे जाना था सीधा लेकिन जब 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 ये स्पीड से आई तो एयर में इसकी स्पीड अच्छी थी, लेकिन जब ग्लास में एंटर किया तो इसकी स्पीड कम हो गई, और स्पीड कम होने के कारण ये है कि इस ग्लास में पार्टिकल बहुत ज़्यादा है, ग्लास में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं और एयर में पार्टिकल्स कम है, ग्लास में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, एयर में पार्टिकल्स कम है, और जहाँ पर पार्टिकल्स कम है उसे हम कहते हैं रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आर लेस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर लेस, और इसे हम कहते हैं डेंसर मीडियम, जहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर मोर, किसके किससे ज्यादा होंगे, एयर से ज्यादा होंगे, तो एयर से ज्यादा होंगे तो एयर में स्पीड, लाइट की स्पीड कम होगी क्योंकि वहां पार्टिकल्स कम है, ग्लास में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि पार्टिकल ज्यादा है, क्योंकि पार्टिकल ज्यादा है। तो हमें यहाँ पर रिफ्रैक्शन में एक चीज, दो चीज याद रखनी है, पहला दो चीज याद रखनी है, पहली चीज मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट की एंट्री होनी चाहिए,
दूसरे मीडियम में लाइट के एंट्री होनी चाहिए, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट की एंट्री होनी चाहिए। दूसरी चीज स्पीड में चेंज आना चाहिए, चेंज इन स्पीड, स्पीड में चेंज आना चाहिए। तीसरी चीज चेंज इन पाथ, पाथ में भी उसके रास्ते में भी चेंज आना चाहिए, वो जिस तरीके से जा रही थी ना उसमें भी चेंज आना चाहिए। ये तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है, तभी हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन हो रहा है। और आप खुद देखो कि लाइट रे यहाँ से चली, यहाँ से ऐसे चली, इसे जाना था सीधे, लेकिन सीधे ना आकर ये यहाँ से मुड़ गई, ये यहाँ से मुड़ गई और फिर यहाँ से अपनी पोजीशन पे, क्योंकि ये दोबारा एयर में आई तो दोबारा एयर की स्पीड कितनी है, एयर की स्पीड दोबारा से अपनी मेंटेन कर लिया इसने, दोबारा से इसने अपनी एयर की स्पीड मेंटेन कर लिया। इसको हम कहते हैं एंगल आई, इसको हम कहते हैं एंगल आई, और इसको हम कहते हैं एंगल आर, इसको हम कहते हैं एंगल आर, इसको हम कहते हैं एंगल आई, इसको हम कहते हैं एंगल आर, और यहाँ हम कहते हैं एंगल आई, और इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, ई एंगल ऑफ इमरजेंस, क्योंकि यहाँ पर आई है तो यहाँ पर आई वन कर दिया और यहाँ पर आई टू कर दिया, और यहाँ आर सिंगल है तो आर वन यहाँ लिख दिया, और एंगल ऑफ इमरजेंस भी आर टू के बराबर होता है, एंगल ऑफ इमरजेंस आर टू के बराबर होता है। अब आपको खुद से ये बताना है, मुझे खुद से सोचना है कि देखो सर ये जो लाइट आ रही है ये सीधी जा रही थी तो ये एक एंगल से मुड़ गई अंदर, ये एंगल से मुड़ गई अंदर की तरफ, यानी नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, इस तरफ ये जो नॉर्मल लाइन है इस तरफ मुड़ गई। अगर ये लाइट ग्लास से एयर की तरफ जा रही है तो जितना ये इधर मुड़ी थी ना, जितना डिस्टेंस इसने अंदर मुड़ा था उतना ही डिस्टेंस से बाहर की तरफ मुड़ गई, नॉर्मल से दूर जा रही है, तभी ये दोनों पैरेलल हैं, तभी ये दोनों पैरेलल हैं। अगर जितना ये अंदर मुड़ी थी उतना ही बाहर की तरफ ना मुड़े तो ये दोनों पैरेलल आएंगे नहीं, दोनों पैरेलल आएंगे नहीं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जितना ये अंदर मुड़ रही है उतना ही ये बाहर की तरफ जाएगी, जितना ये अंदर मुड़ रही है उतना ही बाहर की तरफ जाएगी, तभी जाके रिफ्रैक्शन हो पाएगा, क्योंकि जितना अंदर की तरफ होगा उतना ही बाहर की तरफ होना चाहिए, तभी हम कहेंगे